नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप वेब और डार्क वेब क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसको इजीली अगर समझाएं डीप वेब को, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आप देख नहीं सकते, आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट पे, उसको डीप वेब बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, वो लिंक खुल जाता है तो वो नॉर्मल विजुअल वेब हो जाता है। ठीक है, और जबकि अगर किसी के फेसबुक अकाउंट हो गया, अगर आप उसका पासवर्ड नहीं जानते, मतलब आप उसका अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, वो आपसे हिडन है, तो मतलब वो डीप वेब हो गया। ऐसा कोई भी चीज़ जो आप देख नहीं सकते हैं आसानी से, या तो आपको लिंक चाहिए उसका, या लिंक के साथ साथ यूज़र नेम पासवर्ड, या फिर जो है उसमें जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन का जो कैसे पार करना है वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तभी आप एक्सेस कर पाइएगा, मतलब किसी भी डीप लिंक्स को, डीप वेब उसी को बोलते हैं जिसको आप आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो हिडन होता है जनरली। अब बात करते हैं डार्क वेब का। तो डीप वेब का ऐसा हिस्सा जो बेसिकली आसानी से एक्सेस तो किया, मतलब एक लिंक के ज़रिए एक्सेस तो किया जा सकता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, मतलब गलत रूप से उसको यूज़ किया जा रहा हो उस लिंक को, या फिर वो जो भी वेबसाइट है या फिर जो भी चीज़ है, वो अगर उसको गलत काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको डार्क वेब बोल देंगे खटाक से। तो डार्क वेब जो है सो बेसिकली जो है बहुत सारे जो डीप वेब पे ही रन करता है, करने का मतलब डीप वेब का ही पार्ट है डार्क वेब। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे टॉर, अनियन, अनियन साइट्स होते हैं बहुत सारे। अनियन, अगर आपको पता नहीं है अनियन साइट्स क्या होता है, तो बेसिकली यूएस ने भी बहुत पहले एक जो है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, मतलब इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो है एक तरीका बना बताया था, मतलब कि जिससे कि जो है एक ही डेटा जो है सो मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, सर्वर से राउट होके जो है सो डेस्टिनेशन पे पहुंचता, और यही कुछ उसका प्रिंसिपल है टॉर का। तो वो जो कम्युनिकेशन का जरिया बनाया था, तो वही जो है सो आजकल उसको फ्री कर दिया गया है नॉर्मल पीपल के लिए भी। तो टोर का यूज़ वो करते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर जो अपना कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं जो नॉर्मल वेब पे नहीं मिलता है, या फिर जो है और भी नॉर्मल यूज़ भी होता है उसका, या इम्पोर्टेंट डेटा ट्रांसफ़र के लिए, या फिर अपना जो है सो एक वीपीएन की तरह भी बहुत लोग यूज़ करते हैं कि मतलब अपना आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं। टॉर यूज़ कीजिएगा तो जिससे होगा कि आपका आइडेंटिटी कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहता है, कुछ हद तक, फुल्ली नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहता है टॉर। दूसरे ब्राउज़र सॉरी दूसरे सर्विसेज के मुकाबले स्लो होता है थोड़ा सा, टॉर आपको देर से खुलेगा, थोड़ा जल्दी नहीं खुलेगा। तो यही सब है। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि डीप वेब वो होता है जो आप देख नहीं सकते हैं, आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं आसानी से, और डार्क वेब होता है जो डीप वेब का ऐसा हिस्सा जिसको बनाया गया, मतलब जिसको जो गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि टॉर और अनियन को कैसे, टॉर जो है सो आप ब्राउज़र होता है बेसिकली, आप सिंपल वे में अगर आपको समझाया उतना टेक्निकल ना जाए, टॉर ब्राउज़र होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, और ये एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है टॉर ब्राउज़र। एंड्रॉयड के लिए अगर आपको रन करना है तो टॉर ब्राउज़र प्लस आपको ऑरबोर्ड करके एक ऐप आता है, दोनों डाउनलोड करना होगा। ऑरबोर्ड वीपीएन का काम करता है आपको टॉर से कनेक्ट करने का, और साथ में टॉर ब्राउज़र जो है सो उसको ब्राउज़ करता है। ठीक है, ये हो गया आपका मोबाइल का बात। और विंडोज़ का बात करें तो विंडोज़ में डायरेक्टली टॉर ब्राउज़र आता है, उसको आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, उस फाइल को अनजिप कीजिएगा, और उसमें एक ऐप होगा, आइकन बना होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा डबल, तो एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन मांगेगा या हो सकता है नहीं भी मांगे, और वो ब्राउज़र जो है सो बेसिकली खुल जाएगा, और उसमें आप कोई भी अनियन साइट्स खोल पाएंगे। ठीक है, वो दूसरे नॉर्मल साइट से अलग होता है, जैसे नॉर्मल साइट्स का नाम होता है www.facebook.com, लेकिन उसमें आपको उल्टा सीधा नाम रहेगा, जैसे XYZ, WWY PQRS, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा होगा और उसके अंत में होगा डॉट अनियन। तो ये आप अनियन साइट्स का लिंक सब, आप एक फेमस जो है अनियन साइट से फाइंड कर सकते हैं, जिसका नाम है हिडन विकी। हिडन विकी जो है सो एक अनियन साइट है, उसका लिंक आप चेंज होते रहता है, तो आपको लेटेस्ट लिंक मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट पे जो उसका लिंक रखता है,
और उस लिंक से आप उस वेबसाइट को खोल लीजिएगा। और उसके बाद बेसिकली आप जो है सो उसमें बहुत सारा लिंक्स मिलेगा इम्पोर्टेंट, बहुत सारा जो जनरली वेबसाइट्स है फेमस, वो किसी भी मतलब चीज़ से संबंधित हो सकता है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा बेसिकली उस हिडन विकी पे। सभी का नहीं मिलता है। और डार्क वेब जो होता है, डार्क वेब का एक और तरीका है एक्सेस करने का कि उसका स्पेशलाइज्ड ऐप आता है, मतलब उसका स्पेशल ऐप आता है या उसका स्पेशल लिंक आता है विद पासवर्ड या फिर हो सकता है विदाउट पासवर्ड, तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अनियन का बात करते बता रहे हैं कि अनियन कैसे, अनियन साइट्स कैसे खोल सकते हैं या फिर डीप वेब को या डार्क वेब को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं टॉर की मदद से। टॉर के बारे में आप पूरा रिसर्च कीजिए, अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा उम्मीद। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस, टेक केयर।